हेलो फ्रेंड्स, रंजना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ तरबूज के छिलके की सब्ज़ी। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए तरबूज का छिलका। तो ये मैंने तरबूज के छिलके ले लिए हैं। इसका ये पीछे वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, उसे हम चाकू या पीलर की हेल्प से हटा लेंगे। तो इस तरह से हम इसे छील लेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा जो रेड वाला पार्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे रहने देना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीछे वाला हरा वाला छिलका हटा के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो आप भी ऐसे उसे हटा के धोकर ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लें। सब्ज़ी बनाने के लिए आप इसे चाहे जैसे शेप में काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में काटा है इसे। तो आइए अब हम देख लेते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने एक छोटा प्याज बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्च काट के ले लिया है मैंने, ये 4 से 6 लहसुन की कलियां मैंने छील के काट के ले लिया है, ये आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने, आधा छोटे चम्मच गरम मसाला, नमक लिया है आधा छोटा चम्मच। इसके लिए और हमें क्या क्या चाहिए, ये पंचफोड़न या कलौंजी मसाला बोलते हैं इसे, इसको भी मैंने आधे छोटे चम्मच ले लिया है, आधे छोटे चम्मच जीरा लिया है, और ये सब्ज़ी बनाने के लिए तेल। तो आइए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने गैस जलाकर कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें ये तेल डाल देंगे। इसके बाद हमें तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ये कलौंजी मसाला डाल दिया। ये कलौंजी मसाला हमारा थोड़ा पक गया है, अब हम इसमें ये जीरा डाल देंगे। जीरे को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे इसमें। तो ये हमारा जीरा भी थोड़ा भून गया है, ये हमारा जीरा भून गया है, अब हम इसमें ये कटे हुए लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भी हम 1 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे। ये हमारा लहसुन भुन गया है, अब हम इसमें ये कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसको चला के फिर हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज के साथ साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये हमारा प्याज भुन गया है, अब हम इसमें ये सब्ज़ी डाल देंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हम तरबूज के छिलके की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हम इसको डाल देंगे इसे। और आज मैं इसकी सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसको डाल के ऐसे चला देंगे, फिर ढक्कन से ढक देंगे हम इसे पकने के लिए। इसको 4 से 5 मिनट तक हम पकने देंगे। यहाँ पे आँच मैंने लो कर रखी है, उसके बाद फिर हम सब्ज़ी को चला कर देखेंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं हमारे, अब हम सब्ज़ी को चला के एक बार देख लेंगे। हम सब्ज़ी को चला के एक बार देख लेंगे, ये हमारी सब्ज़ी पक रही है। अब हम इसको ढक के फिर से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं हमारे, अब हम इस सब्ज़ी को चलाकर एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ये हमारी सब्ज़ी और भी पक गई है। अब मैं इसमें ये हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला मिलाकर अच्छे से चला लेंगे। इसको 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। नमक डालकर अच्छे से चला के फिर हम इसे अगले 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये 5 मिनट हो गए हमारे, अब फिर से इसे चलाकर हम देख लेंगे। अब हम इसे चलाकर देख लेंगे, ये हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है, आप इसे देख सकते हैं। ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा देख लेंगे
ये हमारी सब्जी पक गई है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लूँगी ढक के फाइनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तरबूज के छिलके की सब्जी तैयार हो गई है। इसको पकने में पूरे 20 मिनट लगे हैं। यहाँ पर मैंने ये सूखी सब्जी बनाई है और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। अब मैं इसे सर्व करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी तरबूज के छिलके की सब्जी तैयार हो गई है। आप इसे रोटी, पराठा, नान, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप इसे बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।